चिकित्सा शिविर में कुरवाई विधायक हरिसिंह सप्रे ने बड़ा बयान दिया है। वह बोले कि शिवराज जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई माई का लाल उन्हें रोक नहीं सकता। शनिवार को कुरवाई के क्लब ग्राउंड में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बताया कि एलोपैथिक पद्धति से पहले आयुर्वेद और ऋषि मुनियों के द्वारा जड़ी बूटियों से हर मर्ज का इलाज किया जाता था। आज भी हम इससे स्वस्थ रह सकते हैं। इसके इलाज से सभी हर बीमारी जड़ से खत्म होती है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। तो पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनेंगे, 350 सीटों के साथ कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश। आयुष चिकित्सा शिविर मैं आए हुए हमारे माननीय विधायक जी, जन प्रतिनिधि महोदय, समस्त पत्रकार महोदय का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपको मैं ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एलोपैथी की पद्धति से पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आयुष चिकित्सा यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा समस्त रोगों को जड़ से उसके मूल से खत्म किया जाता था। हमारा खान पान, रहन सहन और हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके औषधीय गुणों को पहचान कर और उनके द्वारा दवाओं को बनाकर हमें दिया जाता था। कुछ समय पश्चात एलोपैथी की दवाइयां बहुत तेजी से यहाँ पर दी जाने लगी और उनका साइड इफेक्ट होने लगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।